सोमवार को खेले गए आईपीएल 2023 फाइनल मैच तो चेन्नई ने जीता, लेकिन किसको कौन सा पुरस्कार मिला और कितने रकम का पुरस्कार मिला मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल रहाणे को मिला 1 लाख रुपये, गेम चेंजर ऑफ द फाइनल साई सुदर्शन 1 लाख रुपये, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द फाइनल साई सुदर्शन को ही 1 लाख रुपये, ऑन द गो 4 ऑफ द फाइनल का अवार्ड साई सुदर्शन को 1 लाख रुपये, लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द फाइनल साई सुदर्शन 1 लाख रुपये, कैच ऑफ द फाइनल MS धोनी को 1 लाख रुपये, प्लेयर ऑफ द फाइनल डेविन कॉनवे चेन्नई 5 लाख रुपये, फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को मिला सिर्फ ट्रॉफी के साथ, रकम इसमें नहीं मिली, ट्रॉफी के साथ उनको अवार्डेड किया गया फेयर ऑफ द प्ले अवार्ड। ऑरेंज कैप सुमन गिल जो कि 890 रन बनाए थे पूरे मैच में इस सीजन में, जो कि उन्हें 10 लाख रुपये मिला। पर्पल कैप मोहम्मद शमी 28 विकेट के साथ 10 लाख रुपये। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल 10 लाख रुपये। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुमन गिल 343 अंक उनके थे 10 लाख रुपये। सर्वाधिक चौके सुमन गिल 85 चौके 10 लाख रुपये मिले। सर्वाधिक छक्के फाफ डू प्लेसिस 36 जो कि 10 लाख रुपये। गेम चेंजर ऑफ द सीजन सुमन गिल जो फैंटेसी अंक थे उनके टोटल 1305 थे और 10 लाख रुपये इसके लिए अवार्ड मिला। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन ग्लेन मैक्सवेल 10 लाख रुपये। कैच ऑफ द सीजन राशिद खान 10 लाख रुपये। लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द सीजन डुप्लेसिस को 115 मीटर 10 लाख रुपये। पिच और ग्राउंड अवार्ड के लिए वानखेड़े मुंबई ईडन गार्डन और कोलकाता संयुक्त रूप से 50 लाख रुपये का अवार्ड दिया गया।